उपचुनाव में जिसने बुलाया था प्रचार के लिए उसे ही नहीं पहचान पाए राजनाथ सिंह, जनता भी हुई हैरान। नीतीश की चुनावी सभा में लगने लगे लालू जिंदाबाद के नारे, मुख्यमंत्री ने हिदायत, कहा इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, सच्चाई की बात करनी चाहिए। बागपत में बिना अनुमति दाढ़ी रखने पर निलंबित हुआ दरोगा, एसपी ने अनुमति लेने के साथ साथ 3 बार दी थी हिदायत। फ्रांस में टीचर का सिर काटने के बाद शहरों की दीवारों पर दिखाए जा रहे पैगंबर के विवादित कार्टून, अभी हाल ही में 2 टीचरों की सिर काटकर हुई थी हत्या। बढ़ता ही जा रहा लोगों का गुस्सा, सुरक्षा के लिए शहर में तैनात किए गए हैं बड़े पैमाने पर हथियारबंद पुलिस। वोट के लिए बीजेपी लाई वैक्सीन का डोज, बिहार में हर एक को मुफ्त कोरोना टीका, घोषणा पत्र किया जारी। केजरीवाल ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर लगाया आरोप, केंद्र का कानून नहीं बदल सकते राज्य, किसानों को एमएसपी चाहिए, आपके फर्जी कानून नहीं। दिल्ली में वायु प्रदूषण हुआ खतरनाक, ज्यादा खराब हुई हवा, चारों तरफ छाए, धुंध से ढक गया इंडिया गेट। आरा में भी केंद्रीय मंत्री का विरोध, लोगों ने दिखाए काले झंडे और की नारेबाजी, मंत्रियों से खास नाराज लग रही है बिहार की जनता। किसान सम्मान निधि में 6,000 के अलावा अब 5,000 रुपए और देने की तैयारी में केंद्र सरकार, खाद्य के मिलेगी ये रकम। नासा को मिली बड़ी कामयाबी, करोड़ों मील दूर एस्ट्रॉयड बेन्यू पर रखें कदम, सौर मंडल के गुण रहस्यों से उठेगा पर्दा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने कुलभूषण जाधव की सजा की समीक्षा के लिए विधेयक को दी मंजूरी। चिराग ने फिर साधा नीतीश कुमार पर निशाना, कहा सरकार आते ही सत्ता निश्चय में हुए घोटाले की जांच करवाऊंगा, दोषियों को जेल भेजूंगा। अब महाराष्ट्र में भी सीबीआई को बिना इजाजत नो एंट्री, उद्धव ने सामान्य सहमति ली वापस। पालघर लीचिंग में 2 साधुओं की पीट पीट कर हत्या मामले में 24 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 178 लोग सीआईडी की गिरफ्तार में। बिहार में एनडीए के लिए खतरे की घंटी, महागठबंधन पर सिर्फ 2.5% वोट की बढ़त, नीतीश से ज्यादा मोदी के काम से लोग संतुष्ट। नौसी वोटर के सर्वे के मुताबिक बिहार में एनडीए और महागठबंधन में कांटे का मुकाबला, अनडिसाइडेड वोटर होंगे निर्णायक। लखनऊ में मजार के अंदर चल रहा था सेक्स रैकेट, लोगों ने काले बाबा की धुनाई कर पुलिस को सौंपा। लखनऊ कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर समेत 5 भगोड़ा घोषित, गिरफ्तारी वारंट जारी। दुश्मनों की नींद उड़ाएगा भारत का संत, डीआरडीओ कर रहा एंटी टैंक मिसाइल के ट्रायल की तैयारी।